और आप लोगों को बता रहा हूँ भाई, जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और आईटीआई वाले होंगे, तुमको एक बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस भाई। थ्योरिकल पूरा जानकारी रखो, थ्योरिकल जब जानकारी रखोगे तो काम सीखने में आसानी रहेगी, नहीं तो काम सीखने के लिए ना बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। और दूसरी बात हम बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तुम नॉर्मल चीज़ों ट्रांसफार्मर के बारे में सब। सबसे पहले ये बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुराग है। आप मतलब पुणे में कितने दिन से रह रहे हैं? पुणे में लगभग मैं 1.5 साल से रह रहा हूँ। 1.5 साल से। फर्स्ट नंबर आपका पहला कंपनी कौन था? फर्स्ट मेरा कंपनी टाटा ऑटोकॉम था। और टाटा ऑटोकॉम में कैसे जॉब लगा? टाटा ऑटोकॉम में जॉब मेरा खुद से लगा। कैसे? उधर मेरे दोस्तों के साथ, मैं खुद जो है मैं खुद से ही लगा, कोई किसका नहीं था। सिक्योरिटी मतलब गेट पे गए थे क्या? गेट पे गया था, उधर बात की है, उसके बाद हुआ, मतलब वो है पीछे का छोड़ो, उधर पर लगा टाटा ऑटोकॉम में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में लगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आते हैं और गेट पे और उसका नहीं हो पाता, ऐसा क्या है? नहीं, गेट पे जाने के बाद भाई लोग होता है, जाने कैसे? के बाद गेट पे जाने का, सिक्योरिटी से बात करने का, सिक्योरिटी बताएगा कि हाँ वैकेंसी है, तो वो फ़ोन करेगा और उधर जो कंपनी कहेंगे एचआर से बात करेगा, उसके बाद वो बुलाएगा। आपके क्या क्वालिफिकेशन है? मेरा डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से। आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से। कितना दिन आप वहाँ पे काम किए? मैं उधर मतलब उधर का अप्रेंटिसशिप 1 साल का होता है, 1 से 2 साल का होता है। मतलब मैं उधर 1 साल कर लिया, 1 साल करने के बाद तो समझ जाओ कि उधर सर्टिफिकेट मिल गया, तो उधर कम सैलरी पे कौन करने वाला काम सीखने के बाद। सही बात है, तो सही बात है। इसके वहाँ क्या सैलरी दे रहा था अप्रेंटिसशिप के दौरान? अप्रेंटिसशिप के दौरान 11-12 हज़ार मिलता है। अच्छा। और उसमें फैसिलिटी ये है कि 11-12 हज़ार मिलता है, पर उधर कैंटीन रहता है, बस रहता है, मतलब इम्प्लाइयों को अपनी टाटा कंपनी अच्छी से जानती है और फ्रेशरों को बहुत ख्याल बहुत अच्छी से जानती है। उधर मेरा पैसा के लिए मैंने गया था काम, उधर अप्रेंटिसशिप के लिए गया था और सर्टिफिकेट और काम की जानकारी लेने के लिए गया था। ऐसा नहीं मतलब अप्रेंटिस काम सीखेगा ना, ये नहीं किसी पैसे निकल गए आपको। मैं काम सीखा भाई, लोग जो सीखना चाहेगा वो सीखेगा, जो नहीं सीखना चाहेगा वो नहीं सीखेगा, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम सीखोगे या नहीं सीखोगे। उधर काम काम होता ही होता है और उधर काम सीखने को मिलता ही मिलता है। आप किस डिपार्टमेंट में थे? मैं टाटा, उसमें 2 डिपार्टमेंट था मेंटेनेंस का, पेंट शॉप था और मोल्ड शॉप था, तो मैं मोल्ड शॉप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में थे। हाँ, तो मेंटेनेंस का ही काम मिलता था या फिर कुछ और भी काम होता था? सुनो, मेंटेनेंस में ही जितना है मेंटेनेंस, तो खास मेंटेनेंस जो भाई डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल आईटीआई जो किया वो मेंटेनेंस के बारे में जानते होंगे तो ठीक है। मेंटेनेंस एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि हर चीज़ के उसमें जानकारी रहता है। मेंटेनेंस में हमारा उधर मोल्ड शॉप में था, मोल्ड शॉप में मशीनें थी, वहाँ प्रोडक्शन होता था। मेंटेनेंस में हमारा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों काम होता था। ऐसा क्या? ठीक। तो मेंटेनेंस में किन किन लोगों को लेता है कंपनी? मेंटेनेंस में उधर मेल को ही लेता है, फीमेल उधर नहीं होती है। अच्छा अच्छा। और मतलब आईटीआई डिप्लोमा में? हाँ, आईटीआई डिप्लोमा बीटेक जो भी रहेगा होगा, जितना रहेगा मतलब टेक्निकल जो भी कोर्स रहेगा, तुम आ जाओ लेकर सर्टिफिकेट और जानकारी रखो, थ्योरिकल जानकारी होनी चाहिए। हाँ। काम सीखने के लिए यही मजबूती है। आप कितना दिन वहाँ पे काम किए टाटा नगर में? मैं कम से कम वहाँ पे 13 महीने काम किया। 13 मंथ काम किया। उसके बाद आप कैसे कहाँ अभी कहाँ काम करते हैं? मैं अभी टाटा ऑटोकॉम में 13 मंथ काम करने के बाद मैं अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट ले लिया, पर मैं जब 8वें महीना जब पूरा हुआ, मेरे काम की जानकारी हुई दोस्तों से और उसको से, मैं कामों को जब हैंडल करना चालू किया तो मेरे को लगा कि मेरे पास कॉन्फिडेंस है कि मैं अकेले काम सब कर सकता हूँ, दूसरे कंपनी में मैं ट्राई कर सकता हूँ, सैलरी बढ़ सकती है और मेरा कुछ पोजीशन भी बढ़ सकता है। इसके लिए मैं कंपनियों में 8वें मंथ से ही खोजना ट्राई कर दिया था। इसके बाद मेरे को लगभग 13 मंथ में मेरे को कंपनी मिल गई, वो भी जो कंपनी मिला वो R&D सेंटर है, जो मतलब फार्मा कंपनी रिसर्च सेंटर है। R&D का फुल फार्म रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर होता है, ठीक, उसमें रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट बैठते हैं और फार्मा वाले रिसर्च करते हैं। उसमें आप क्या करते हैं? उधर भी मैं इलेक्ट्रिकल से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में ही काम करता हूं। कौन सा कंपनी आपका फार्मा कंपनी बोले? इनोसेंट टेक्नोलॉजी। और वहाँ पे आप मेंटेनेंस जॉब करते हैं, वहाँ पे अभी आपका सैलरी क्या है? उधर मेरा सैलरी भाई देखो, सैलरी कम से कम 25 से ऊपर जाओ, कोई सैलरी बताता नहीं है, मैं बताऊंगा नहीं सैलरी, और 25 से ऊपर मिलता है, वो तुम्हारे काम के ऊपर डिपेंड करते हैं, तुम कितना इंटरव्यू और काम कितना है उसके हिसाब से सैलरी भी मिलता है मेंटेनेंस। और ये टाटा ऑटोकॉम में जॉब करते थे, उसका बेनिफिट क्या मिल रहा है वहाँ पे? बहुत मिला था, मैं टाटा ऑटोकॉम से ही मेंटेनेंस में गया, मेरे पास प्रैक्टिकल नाम का चीज़ नहीं था, मेरे के पास थ्योरिकल था, इधर प्रैक्टिकल सीखा, प्रैक्टिकल से इधर प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। भाई कहने का मतलब तुम्हारे पास थ्योरिकल हो या डाटा और टाटा
डिप्लोमा आईटीआई बीटेक कुछ भी रहो वो मायने नहीं रखता है कंपनियों में। वहाँ कंपनियों में भाई तुम्हें हाथ का नॉलेज चाहिए और प्रैक्टिकल जरूरी है, प्रैक्टिकल ही उधर खोजते, प्रैक्टिकल पे तुम्हारी सैलरी है। और ये दूसरी कंपनी जो स्विच की एक साल होने के बाद टाटा ऑटोकैम में क्या क्या पूछा गया कुछ बता सकते हैं क्या? एक साल होने के बाद जब स्विच की दूसरा कंपनी, हाँ क्या वहाँ पे आपको इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया? भाई टाटा ऑटोकॉम के बाद मेंटेनेंस में जब मैं उधर गया उधर बहुत इंटरव्यू होता कम से कम। फार्मा कंपनी क्या क्या पूछा गया थोड़ा जोर से बोलिए। फार्मा कंपनी में कम से मैं बता रहा हूँ इंटरव्यू भाई इतना तैयारी करो इंटरव्यू में इलेक्ट्रिकल में कहीं से तुम्हें कहीं पूछेंगे और ड्राइंग भी बनवाएंगे, ड्राइंग से भी कनेक्शन करवाएंगे। तो मतलब लगभग जितना इलेक्ट्रिकल का है वो अपने अप्रेंटिसशिप में क्लियर कर लो और कामों पर ध्यान दो सीखने के लिए, ताकि तुम्हारा काम ही कहीं दूसरे जगह ले जाएगा, तुम्हारा डिग्री नहीं ले जाने वाले। और टाटा उधर में कैंटीन भी है, उधर सब कुछ है इम्प्लॉयों का, मतलब उधर भाई उधर मतलब जो भी है रूल्स गवर्नमेंटों की लगती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट के ही रूल से सब चलते हैं, सब टाइम पर आते हैं, सब कुछ टाइम पर आते, कुछ नहीं तुम्हारे साथ छल होगा, बराबर सब चलेगा। अगर कंपेयर करें टाटा ऑटो कैंप और ये आपका इनोसेंट फार्मा कंपनी में क्या डिफरेंट देखो कंपेयर देखो मैं दोनों कंपनियों में मिला नहीं सकता हूँ। देखो यहाँ पर मेरा भविष्य चालू हुआ, वहाँ मेरा भविष्य बनने का सोच लगता है, तो कहीं मैं छोटा या बड़ा नहीं कर सकता हूँ, ये बराबर है, ठीक है ना। कहने का मतलब टाटा ऑटो का मेरे को नॉलेज मिला, उधर मेरा इनोसेंट बोलने क्या, हाँ इनोसेंट कंपनी किधर रही है? इनोसेंट टेक्नोलॉजी कंपनी फेज थ्री में, हिंजौड़ी फेज थ्री, महाराष्ट्र का पुणे सिटी, पुणे के अंदर हिंजौड़ी फेज थ्री। आपको अच्छा लग रहा है अभी काम करने में? बहुत अच्छा लग रहा है, कम से कम लगभग मेरे को 5 से 7 महीने उस कंपनी में हो गया। ये फ्यूचर क्या देखते हैं अभी आप? फ्यूचर बहुत बने टाटा में, मतलब मेंटेनेंस पे फ्यूचर अच्छा है उधर। आप उस कंपनी में अभी जिस कंपनी में अभी जॉब कर रहे हैं उस कंपनी में आपका क्या फ्यूचर है, क्या सोच रहे हैं अभी आप 2-4 साल रहेंगे या फिर क्या? कंपनी प्राइवेट सेक्टर में फ्यूचर की बात छोड़ो, कहने का मतलब है उधर काम की जानकारी मिलती है, काम करने को मिलता है, बढ़िया लगता है। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर जब तक मेरे को अच्छा लगा मैं करूँगा, मेरे को सैलरी बढ़ना चाहिए। राइट, हर आदमी पैसे के लिए काम करता है, जब तक सैलरी अच्छी मिल रही है, जब उसका जीवन यापन चल रहा है सही है, 1-2 साल करेंगे, अभी मेरे को अच्छा लगा इधर बढ़ गया सैलरी या इंक्रीज हुआ मैं तो रुकूंगा, नहीं तो दूसरी जगह जाऊंगा। भाई मेरा मैं एक जगह स्थायी थोड़ी ना, मेरा कामों की जानकारी जरूरी है कि मैं कामों में परफेक्ट क्या। अभी भी आप ट्राई कर रहे हैं दूसरा कंपनी है? अभी नहीं करूँगा, करने वाला हूँ अभी देखते हैं, जैसे अभी ठीक उधर मैं सेट हूँ, अच्छा हूँ, उधर बैठ रहा हूँ लगभग बढ़िया से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं उधर सुपरवाइजर हो चुका हूँ, ऐसा क्या? ठीक है, तो हमारे बंदे हमारे से जानकारी लेते हैं, मैं अपने को मतलब बढ़ा बोल नहीं रहा हूँ। आपका जो कंपनी है क्या क्या किस चीज़ पे कवर करती है? देखो हमारा कंपनी भाई, देखो हमारा कंपनी मैं बताइए दी आप थोड़ा पीछे की, हमारा कंपनी R&D है, मतलब R&D का फुल फॉर्म रिसर्च डेवलपमेंट करती है। किस चीज़ पे करती है? हमारा कंपनी केमिकल और दवाओं को रिसर्च करती है, उसमें कच्चे चीज़ों को रिसर्च करती है, फाइनल चीज़ नहीं रिसर्च करती है, कच्चे चीज़ों का। हाँ, जो रॉ मटेरियल बोल सकते हैं, रॉ मटेरियल जो है वो जो अब होने के बाद मतलब केमिकल जो रिसर्च करते हैं वो पेट्रोलियम अधिक जाता है, और हमारा कंपनी जो है इनोसेंट लगभग वो अदर कंट्री में उसका बहुत मार्केट है, मतलब USA, इंग्लैंड, कोरिया, अफ्रीका, फ्रांस। अच्छा, आपका जो सेकंड कंपनी था अभी है फार्मा कंपनी, उसमें किन किन लोगों के लिए वैकेंसी रहता है? देखो हमारे कंपनी में मतलब पढ़े लोगों को ही रहता है, पर क्या क्वालिफिकेशन बता सकते? देखो हमारा कंपनी है जो डिप्लोमा मेंटेनेंस वाले के लिए होता है, डिप्लोमा ITI ये फ्रेशर को लेता है कि नहीं? फ्रेशर नहीं लेता, फ्रेशर नाम का चीज़ नहीं उधर भाई। और उसके बाद उधर मेडिकल में BSc लगेगा, केमिस्ट्री लगेगा, BSc केमिस्ट्री लगेगा, फिर से अकाउंटेंट के लगेगा, फिर से MBA लगते हैं बंदे, IIT वाले लगते हैं, ये लगते हैं उधर और काम करते हैं, प्रेशर नहीं लगते हैं अभी, एक्सपीरियंस वाले लगते हैं। तो फ्रेशर के लिए क्या अभी हिंजौड़ी में कोई कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं क्या हमारे सारे भाई लोगों के लिए हिंजौड़ी में? करेगा भाई, हम लोग यही काम करने वाले हैं, एक दूसरे को मदद करेंगे, एक दूसरे को जॉब दिलाने के लिए, ताकि मैं गांव से निकला हूँ, मैं जब भी जॉब खोज रहा था ना, मैं भी सोच रहा था कि मेरा भी कोई मदद करे, मैं उस चीज़ को भूला नहीं हो, हम जब जहाँ भी जाएंगे ना मैं मदद करता हूँ, करता रहूँगा। इसके लिए बम इसी के लिए बहुत बड़ा कि तुम काम करते हो, धन्यवाद, और तुम्हारे साथ मैं भी संपर्क में रहूँगा, और लड़के जो भी होंगे और मेरे को तुम बताना, मैं भर्ती कराऊँगा, और दूसरे जो भी इलेक्ट्रिकल का होगा वो बताना, मैं क्वेश्चन तैयार कराऊँगा, और
चलिए बहुत बहुत आप अपना सारा चीज़ शेयर किया यहाँ पे। और आप लोगों को बता रहा हूँ भाई, जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल आई टी आई वाले होंगे, तुमको एक बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस भाई, थ्योरिकल पूरा जानकारी रखो। थ्योरिकल जब जानकारी रखोगे तो काम सीखने में आसानी रहेगी, नहीं तो काम सीखने के लिए ना बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। और दूसरी बात हम बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तुम नॉर्मल चीज़ हो, ट्रांसफार्मर के बारे में सब कुछ जान जाओ। एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, स्टेप डाउन स्टेप अप का बारे में काम करता है, पर क्या उसका पूरा डिटेल जान जाओ, यहाँ तुम्हारे को हाथ में ही मिलेगा। और दूसरी बात, ओम्स लॉ, मोटर डबल कनेक्शन, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, कॉन्ट्रेक्टर के साथ रिले क्या होते हैं, सब इधर ऑटो में मिलेगा तुम्हें, रोबो भी मिलेगा। कम से कम 20 साल के आगे के तुम सब मेंटेनेंस में काम करोगे, मतलब तुम हाईटेक इंसान बनोगे कामों के साथ। इसे थ्योरिकल मजबूती के साथ रखो। और दूसरी बात ये भी रखो कि तुम ये, मैं इलेक्ट्रिकल क्यों होते, इलेक्ट्रिकल के काम में ये भूल जाना, ये प्राइवेट सेक्टर में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक तीनों काम करना पड़ेगा। इसके लिए दिमाग रखना और अच्छा से स्किल को ध्यान दो, काम सीखो और आगे बढ़ो, तरक्की है दुनिया में। ये तुम काम करते हो, धन्यवाद। और तुम्हारे साथ मैं भी संपर्क में रहूँगा, और लड़के जो भी होंगे और मेरे को तुम बताना, मैं भर्ती कराऊँगा। और दूसरे जो भी इलेक्ट्रिकल का होगा वो बताना, मैं क्वेश्चन तैयार कराऊँगा। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।